वेलकम एवरीबॉडी। एक जो है वो स्टूडेंट की क्वेरी आई है पुरुषोत्तम जी की, तो इनका कहना है कि भाई मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, नीट फॉर्म कैसे भरूं। तो देखिए, अगर आपके पास जो है वो ओबीसी एनसीएल रिक्वायर्ड है पहली बात, और अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल नहीं है तो आप जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करके जो है वो अपना काम चला सकते हैं, और आपको जो है वो ओबीसी एनसीएल के लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, और जो फॉर्मेट है वो मैच होना चाहिए। और अगर डिजिटली आपका सर्टिफिकेट बना है तो उसे एक बार वेबसाइट पे जो है वो चेक कर ले कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ओके, सो आई होप कि आपकी जो है वो क्वेरी जो है वो सॉल्व हो गई होगी। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि उनके पास अभी जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या करें, तो उनको बस यही करना है, अगर वो EWS कैटेगरी से हैं तो उनको EWS वाला जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके अपलोड करना है, और अगर वो OBC वाले हैं तो उनको खुद से जो है वो OBC NCL सर्टिफिकेट OBC का डिक्लेरेशन वाला जो एक सर्टिफिकेट है उसको फिलअप करके अपलोड करना है। ओके।